तो दोस्तों आप बोलेंगे कि मैंने तो मेरा चैनल क्रिएट करके मैंने पहली दुकान खोल ली। तो हाँ, आपने आपकी पहली दुकान खोल रहे, मैं दूसरी दुकान की बात कर रहा हूँ जा, जिसका क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी आपको बताऊँगा, कि एलिजिबिलिटी मतलब कब अप्लाई कर सकते हो ये भी बताऊँगा, क्या क्या ज़रूरत रहती है इसको ये आपकी दूसरी दुकान खोलने के लिए, और आप अपने प्रोडक्ट अपने हाथ से क्रिएट करेंगे और वो आप बाय करेंगे, मतलब जैसे कि मैं बाय करूँगा तो आपका प्रॉफिट, आपको इनकम जनरेट होगी, तो किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि आपके जो भी कमेंट्स मतलब जो भी डाउट रहेगा वो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते, ताकि मैं अगला वीडियो और बना दूंगा कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब व्यापार, अपना व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने टी शर्ट, पिलो मतलब तकिया, ब्लैंकेट चादर, या फिर अपने बैक कवर का अपने उसको डेकोरेट करके आप अपने, जैसे कोई से वीडियो में आपने देखा होगा कि वीडियो के नीचे कुछ मर्चेंडाइज और नीचे टी शर्ट है या फिर पिलो या फिर जो भी रहता है वो नीचे दिखाई देते हैं, तो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी तो 30,000 सब्सक्राइबर है, पर अभी कुछ कुछ चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर भी मिल जाता है, 10,000 सब्सक्राइबर पर स्टोरी टैप भी मिलती है, आपको पता होगा, और स्टोरी टैप के बाद आपको मर्चेंडाइज का ऑप्शन मिल जाता है। बट इसके कंडीशन ये है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन होना अनिवार्य है। आपका जब चैनल मोनेटाइजेशन होगा तो आपको ये मर्चेंडाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सुपर चैट भी मिलते जा मतलब ऑडियंस आपको पैसे देते हैं, तो उसमें से आपको आपको देखा होगा कोई से भी अपने सुपर चैट मतलब कोई सा लाया होता है वहाँ पर सुपर चैट का ऑप्शन रहता है तो वो भी मिलता है, और मर्चेंडाइज के माध्यम से भी आप कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में कैसे अप्लाई करते हैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूटोरियल वीडियो रहेगा, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देख, आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी आपके सामने नई वीडियो लाने की उत्साह बढ़ती रहे और आप ऐसे नए नए वीडियो देखते रहे। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप आ गए क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र के जाने बाद आपको यूट्यूब पे क्लिक करना है, फिर यूट्यूब सर्च कर सकते हो। यूट्यूब सर्च में आप डेस्कटॉप टाइप करना, मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप टाइप कर ली। इसके बाद आपको अपने आइकॉन चैनल आइकॉन पर क्लिक करना है। चैनल आइकॉन के पर क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जो लोड होने के बाद आपके पास कुछ नया इंटरफेस आएगा, आपको पता होगा, आपने क्रोम ब्राउज़र यूज़ करा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद आपको लास्ट के सेकेंड ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको डॉलर का निशान आएगा, डॉलर का निशान आएगा, उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस आएगा, आपके पास चैनल मोनेटाइजेशन, ओवरव्यू, मर्चेंडाइज, सुपर चैट, आपको मर्चेंडाइज पर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। ये लोड हो रहा है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन आई एग्री करके एक्सेप्ट कर दीजिए, और कुछ यहाँ पर आपको आईडी नंबर मांगे तो आप गेट टेम्पलेट पे आप क्लिक कीजिए, आईडी टेम्पलेट आईडी पे क्लिक कीजिए और कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। तो जैसे कि ये नया इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपने ईमेल आईडी जिस चैनल से ईमेल आईडी बना हो, ईमेल आईडी पासवर्ड करके साइन अप कर दीजिए। तो अभी मैं साइन अप कर लेता हूँ, प्राइवेसी के कारण मैंने इस पे ब्लर कर दिया है। तो आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड करके साइन अप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी डल गए हैं, पासवर्ड डल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक के साइन अप कर लीजिए। तो ये अपना साइन अप हो गया, और ये अपनी टीस्प्रिंग स्टोर आईडी, इस पर इस आईडी को कॉपी कर लीजिए, और वहाँ पर जहाँ पर मंगा था तो अपना पेज, वहाँ से मैं पेज अपने पेज पे जाता हूँ, रिटर्न फर्स्ट टैब पे, तो वहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता है, यहाँ पर टीस्प्रिंग आईडी के। तो यहाँ पेस्ट करके कनेक्ट पर जैसे कि पेस्ट करा, और इसके बाद अब कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। ये कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो आपको यह इंटरफेस देखना है, और यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है इस साइड पे, ऊपर साइड, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है ऊपर, और नीचे यहाँ लिंक आ रही है तो इसको आप देख सकते हो, और यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, और कुछ और नई टैब खुलेगी, तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आया है।
ऐसा इंटरफेस आया है, तो आप इसको डेस्कटॉप साइड कर लो तो आपको प्रोडक्ट अच्छे दिखेंगे। तो वो भी तो अपन चल रहे हैं, इसको मैं डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ। आप जरूर डेस्कटॉप साइड पे कर लो ताकि आपको कंप्यूटर वाली साइड देखने को मिले और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पूरे क्लियर दिखेंगे। तो यहाँ कुछ लोड हो रहा है और उसके बाद आपके पास आपको जो भी इसमें से प्रोडक्ट देखना है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है, पिलो है, बैग है, कवर है। तो मैं बैग कवर को यूज़ करता हूँ, तो ब्लैक बैग कवर पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर सैमसंग का बैग कवर है, इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे सामने कुछ ऐसा आ गया है। तो अब इस पर मैं डबल क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, इस पर आप डबल क्लिक करके यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर लोड हो रहा है, लोड होने के बाद यहाँ पर वापस वैसे ही आएगा और यहाँ पर आपको कुछ स्टोर टैब यहाँ पर आ मिलेगा। तो यहाँ पर आप चूज योर फोटो, यहाँ पर आप डाल सकते हो, यहाँ से एड इमेज या फिर एड टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हो। मैं भी इमेज डाल के बताता हूँ। तो एड इमेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं इमेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं अपनी इमेज एड करता हूँ, तो ये प्राइवेसी के कारण मैंने वापस ब्लर कर दिया। तो आप यहाँ से अपनी कोई सी भी इमेज आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने याली मेरी जो गन से गन हाथ में है, याली मैंने इमेज यहाँ पर ड्रैग मतलब इस पर अटैच कर दी और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर कुछ देर बाद लोड होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर आपके देखो तो आईफोन केस पे मतलब आपकी फ़ोटो आ गई है। आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो और आपने आप जब भी वीडियो मतलब आप वीडियो कोई से वीडियो देखो तो उसके नीचे आपके पास परसेंटेज का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपके पास ये चीज़ें शो करेगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा था जो आपको मैंने बताया और ये कुछ मतलब कुछ देर बाद वहाँ पर शो करेगी। तो ये ऐसा था, ये लोड हुआ, आप देख लिए। ये मतलब आप यहाँ पर आप 2 से 3 दिन बाद आपके इस पे YouTube पेज पे आपको YouTube के वीडियो के नीचे शो करेंगे आफ्टर क्रिएटिंग, मतलब उनकी कंपनी जो भी क्रिएट करके आपको